हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवृद्धि टीम। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती का एडवर्टीजमेंट जारी हुआ है, जहां लास्ट डेट 8 सितंबर रहने वाली है। आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। उम्र जो है यहां पर 21 से 35 वर्ष तक के स्टूडेंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहां पर सीटेट नहीं मांगा गया है, तो जिन स्टूडेंट ने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है वो भी यहाँ एप्लीकेशन कर पाएंगे। मैक्सिमम सैलरी यहाँ पर 35,000 तक रहने वाली है। तो चलिए कम्प्लीट नोटिफिकेशन हम देखेंगे, कैसे एप्लीकेशन करना है ये सारी चीजें हम जानेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसी है तो वो भी सारी चीजें हम देखेंगे। तो जितनी भी गवर्नमेंट प्राइवेट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है, तो मेरा उद्देश्य रहता है समय पर आप लोगों के पास पहुंच सके। इसलिए पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल बटन को प्रेस कर लें। जितने भी वीडियो बनते हैं तो उनकी सूचना आप लोगों तक आपके मोबाइल पर समय पर मिल सके। कई बार जो है वो वैकेंसी की लास्ट डेट निकल जाती है और तब जो है वो स्टूडेंट को पता चलता है। तो इसके लिए जो है वो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को जरूर प्रेस करें, तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन की सूचना मिल पाएगी। सैनिक स्कूल झांसी से वैकेंसी है। इसका जो आप देख सकते हैं पूरा जो स्कूल का स्ट्रक्चर जो है वो काफी अच्छा है। ये स्कूल जो है वो काफी बड़ा है, यहाँ का मैनेजमेंट जो है वो काफी अच्छा है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सैलरी जो है वो काफी अच्छी आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, यानी पहले आपको 11 महीने के लिए रखा जाएगा, उसके बाद आपका वर्क देखा जाएगा। यदि आपका बहुत अच्छा रहता है तो आपको ये रख लेते हैं, नेक्स्ट ईयर जो है वो आगे बढ़ाते हुए जाते हैं। ये चीज नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। यहाँ पर आर्ट मास्टर की जो वैकेंसी है उसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ग्रेजुएट विद फाइन आर्ट ड्रॉइंग या पेंटिंग, ठीक है, इन तीनों में से आपने किया हो, एज वन ऑफ द सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा हो, साथ में आपने मिनिमम 4 ईयर डिप्लोमा अगर किया है तो आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। अगर आपने मास्टर डिग्री की है फाइन आर्ट में, फाइन आर्ट पेंटिंग के साथ या स्केचिंग स्पेशलाइजेशन के साथ, तो भी आप यहाँ एप्लीकेशन कर सकते हो। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए, तो ये जो है हम कह सकते हैं कि अन्य में है, यानी अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कंपलसरी जो है वो मैंने आपको बता दी। 35,000 आपको सैलरी मिलेगी मंथली। 21 से 35 साल तक के स्टूडेंट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर जो है इसकी जो क्वालिफिकेशन है, 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, 5 साल आपने जो है म्यूजिक इंस्टीट्यूशन में जो है वो पढ़ाई की हो म्यूजिक टीचर की, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है, या आपने बैचलर डिग्री विद म्यूजिक से किया है, या आपने हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी विद एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब ये जो है म्यूजिक के जो स्टूडेंट हैं वही समझ पाएंगे कि संगीत विशारद एग्जामिनेशन ऑफ गंधर्व महाविद्यालय मंडल या बॉम्बे, और जो भी है आप लोग जो है यहाँ पर देख लें, ठीक है। यहाँ पर 28,000 सैलरी मिलेगी और 21 से 35 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है, तो ग्रेजुएट मांगा गया है और साथ में लाइब्रेरी साइंस में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। 35,000 सैलरी रखी गई है और 18 से 50 साल तक जो है यहाँ पर उम्र मांगी गई है। लैब असिस्टेंट बायोलॉजी की जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट साइंस विद बायोलॉजी, यानी कि आपके पास 12th साइंस स्ट्रीम के साथ और बायोलॉजी एक सब्जेक्ट के रूप में आपने पढ़ा होना चाहिए। 20,000 आपको मिलेंगे यहाँ पर, 18 से 50 साल उम्र रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर पीटीआई की वैकेंसी फीमेल की है, बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, या आपने डिप्लोमा अगर किया है फिजिकल एजुकेशन में, ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि बैचलर डिग्री फिजिकल एजुकेशन में और साथ में डिप्लोमा फिजिकल एजुकेशन में, ये मांगा गया है आपका। 25,000 सैलरी है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए यहाँ पर कहा है ग्रेजुएट विद 5 ईयर ऑफिस एक्सपीरियंस, आपके पास जो है किसी भी स्कूल में पढ़ाने का या फिर आपने बैंक में अगर काम किया है, ठीक है, तो वहां का आपके पास 5 साल का जो है अगर एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन के साथ में, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हो। 28,000 आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। उसके बाद अगर आपने साइकोलॉजी में किया है बैचलर डिग्री पास या ऑनर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, और साथ में आपके पास डिप्लोमा है काउंसलिंग का गाइडेंस का, तो आप यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। 26,250 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर मिलने वाली है। केवीएस एनवीएस इससे अधिक सैलरी जो है वो सैनिक स्कूल की है, ठीक है। 21 से 35 साल जो है यहाँ पर उम्र रखी गई है काउंसलर की।
11 महीने तक जो है वो आप लोग यहाँ जॉब कर पाएंगे। उसके बाद जो है द प्रिंसिपल हैज़ द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ अपॉइंटेड बाय हिम अंडर हिज ओन पावर्स विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। ये आपकी जो सर्विस है उसको आगे बढ़ा भी सकते हैं यदि आपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया, आपके रिलेशन जो है यहाँ पर प्रिंसिपल से काफी अच्छे रहते हैं, बिना किसी जो है रीजन को जाने ये आपकी जॉब को, आपकी सर्विस को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग, यदि आपका वर्क अच्छा रहता है, कैसा जो है वो आप लोग एप्लीकेशन करोगे, तो एक तो ऑफलाइन मोड करना है आपको केवल, और इसका जो फॉर्मेट है यानी एप्लीकेशन करने का वो बिल्कुल इसी पीडीएफ फाइल में नीचे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं सैनिक स्कूल झांसी। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग सारी चीजें जो है भर लेंगे, कैटेगरी किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर जनरल कैटेगरी से तो यूआर लिखेंगे, बाकी और जो है जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप ये लिखेंगे, बाकी अपना नाम, पता, एड्रेस, ईमेल आईडी जो है वो आप लोग जरूर अच्छे से जो है, जो करंट ईमेल आईडी हो वही आप यहाँ डालें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा जितनी भी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस अगर है तो लिखें, नहीं है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस जो है वो एसेंशियल में नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो अच्छे से जो है वो आप लोगों को भर लेना है, और ये पूरी नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये इसकी मेन वेबसाइट है, और आप लोग खुद भी जो है स्क्रीनशॉट ले लें आप, और खुद भी जो है यहाँ पर जाकर ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं, अपनी मार्कशीट है 10th के बाद की, वो सभी जो है वो आप लोगों को इसी के साथ जो है वो अटेस्ट कर देनी है, यानी उसी के साथ जो है वो लगा देनी है, और जो है पोस्ट करना है आप लोगों को, और लिफाफे के ऊपर जो है वो आप अच्छे तरीके से जो है ये जरूर मेंशन करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, राइट द नेम ऑफ पोस्ट, किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं वो लिखना है, मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है, द टॉप ऑफ एप्लीकेशन एनवलप, जो एप्लीकेशन एनवलप है उसके ऊपर लिखना है आप लोगों को कैपिटल लेटर में, अच्छे और साफ हैंड राइटिंग में। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट करनी है, स्पीड पोस्ट करनी है, आपको सिंपल पोस्ट नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना। बाय हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, बाय हैंड भी जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट जो है यहाँ पर 8 सितंबर 2023 रखी गई है, यहाँ पर आपका जो है एक एग्जाम होगा, और एग्जाम जो रिटन एग्जाम होगा ये भी उन शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे होंगे, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन जो है जो कि यहाँ पर मांगी गई है अगर वो पूरी होती है तो ही आपको रिटन एग्जाम के लिए बुलाएंगे, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा या फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सारी चीजें मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दी है, सैनिक स्कूल झांसी से वैकेंसी है, और ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। बाकी चीजें जो है वो आप लोग और भी अच्छे से पढ़िएगा, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसको नीचे तक आप लोग देखा करिए, वहीं पर आप लोगों को जो लिंक है वो जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।